छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा महिलाओं बच्चियों पर बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने व शिक्षा का केंद्रीकरण, व्यापारीकरण, निजीकरण, सांप्रदायिकरण, रोजगार उन्मुखी को बढ़ावा देने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रद्द करने की मांग पर अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया गया। गुना शहर के साथ ही जिले के गांव से लेकर तहसील स्तर पर एनएपी 2020 की प्रतियां जलाकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द करने की मांग छात्रों के द्वारा की गई। गुना जिला इकाई अध्यक्ष अजीत सिंह पवार ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के केंद्रीकरण, व्यापारीकरण, निजीकरण, सांप्रदायिकरण, रोजगार उन्मुखीकरण को बढ़ावा देती है। जहाँ शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों में उच्च नैतिकता और चरित्र का निर्माण करना, एक बेहतर इंसान का निर्माण करना ताकि वह मानवता को केंद्रित कर सके, अन्याय का विरोध करे, लेकिन रोजगार उन्मुखीकरण शिक्षा को मशीन में तब्दील करने का काम करेगी। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में महिलाओं बच्चियों पर लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को इन घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए और अपराधियों को उदाहरण मूलक सजा देनी चाहिए। इन घटनाओं के पीछे जो मुख्य कारण है, नशा, शराब, पोर्न वेबसाइट आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 भी स्कूल शिक्षा से ही यौन शिक्षा को लागू करने की वकालत करती है, जिससे छात्र छात्राएं को संगत यौन मानसिकता का शिकार हो जाएंगे। गैर लोकतांत्रिक नई शिक्षा नीति को लागू करना नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद। शिक्षा को बर्बाद करने वाली नई शिक्षा नीति वापस लो। निजीकरण को बढ़ावा देने वाली नई शिक्षा नीति वापस लो। यहाँ पर छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ की पीजी कॉलेज इकाई ने नई शिक्षा नीति की प्रतियां जलाकर विरोध जताया है। आज डीएसओ की ऑल इंडिया कमेटी के द्वारा पूरे देश भर में नई शिक्षा नीति का विरोध किया जा रहा है, और इस नीति का विरोध भी इसलिए हो रहा है कि केंद्र सरकार पूरे देश में बिना शिक्षकों से पूछे, बिना शिक्षाविदों से पूछे, बिना छात्र और शिक्षक संगठनों से राय लिए एक नीति पूरे देश पर थोपने जा रही है। वो नीति जिसमें ये बात की गई है कि हम हर 15 किलोमीटर में एक स्कूल खोलेंगे, मतलब प्राइमरी मिडिल स्कूल जो पहले खोले गए थे कि अगर बच्चा स्कूल तक नहीं आता तो स्कूल बच्चे तक जाएगा, ये नारे के साथ उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा और गरीब जो छात्र नौजवान हैं उन्हें शिक्षा से दूर कर दिया जाएगा। वो बोल रहे हैं आप प्रदेश के देश भर के स्कूल कॉलेजों को अनुदान नहीं देंगे, राशि नहीं देंगे, यूजीसी को खत्म करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया लागू करने की बात कर रहे हैं, और जो सरकार बजट देती है स्कूल कॉलेजों को उसको वो वापस ले लेंगे, उसको बंद कर देंगे। तो इससे सीधे तौर पर हमारा मानना है कि शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण को बढ़ावा मिलेगा। नई शिक्षा नीति निजीकरण को बढ़ावा देती है, व्यापारीकरण को बढ़ावा देती है, रोजगार उन्मुख शिक्षा की बात करती है, शिक्षा जहाँ चरित्र निर्माण की चीज़ है उसको रोजगार से जोड़कर बात करती है, साथ ही साथ पूरी तरह गैर लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश भर पर थोपी गई है। इसलिए हम पूरे देश भर में आज इसका विरोध कर रहे हैं और पीजी कॉलेज गुना में भी इसी तारतम्य में आज विरोध जताया गया है।